आप सभी से नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं बीके चौक का नज़ारा है और यहाँ पर पुलिस ही पुलिस है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। देखिए पुलिस की गाड़ियाँ हैं। आइए आपको दिखाते हैं क्या है मामला और इतनी पुलिस यहाँ पर क्यों आई है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियाँ हैं। ये देखिए फरीदाबाद नगर निगम का मुख्यालय है और यहाँ पर भी देखिए पुलिस ही पुलिस है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। आइए दिखाते हैं, बताते हैं क्या मामला है, इतनी पुलिस क्यों आई है यहाँ पर, आखिर हाँ जी आखिर अंदर क्या हो रहा है, हर चीज़ की जानकारी आपको देंगे। आइए आपको दिखाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हैं, पता करते हैं क्या मामला है। देखिए आप लोग, ये महिलाएं कुछ बता रही हैं, कुछ बोल रही हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। देख रहे हैं आप लोग, नगर निगम मुख्यालय पर भीड़ इकट्ठी है, ये देखिए, और यहाँ भी भारी मात्रा में पुलिस बल है। आइए पता करते हैं क्या मामला है, आखिर इनकी क्या मांग है, ये लोग किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हर चीज़ की जानकारी देंगे। बाबा राम केवल भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं। 24 घंटे की ड्यूटी होती है जिला प्रशासन की, चाहे वो नगर निगम का अधिकारी हो, चाहे पता करते हैं और चाहे जो बता रहे हैं हमारे वो प्रशासन को देखते हैं, एडीसी डीसी एसडीएम और नौकरी वो भी मिले। उचित मुआवजा कितना? 1 करोड़ बता दिया है भाई, बता दिया सरकारी नौकरी 50 लाख की बात हो ठीक है ना जी। सो ये सरकार जो जिस तरह की गलती हो रही है हमारे, देखिए पुलिस का काम देखो गड्ढे भरना या वो नहीं है, फिर भी हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ में गड्ढे भरती रही। मुझे देखो, जो अन्य डिपार्टमेंट का काम है वो हमारी पुलिस से लिया जा रहा है। आप मुझे देखो, सरकारी विभाग आपस में एक दूसरे को बचा रहे हैं। दोस्तों फिर से बता दें, उत्तम जिसका काम है वो क्यों नहीं करता? क्या नाम था मृतक का? काम है एचएसवीपी का काम। क्या नाम था और वो मृतक का क्या नाम है? बड़ी वो मृतक का नाम था तिवारी, वो ड्रामा कंपनी कर दी है एफएमडीए। पूरा नाम बताइए, क्या नाम है? उपेंद्र तिवारी नाम था। सेक्टर 21 में इनकी मौत हुई थी ना, सेक्टर 21 जिसको कह रहे हैं डूब के खत्म हो गए थे, बाइक से थे। दोस्तों फिर से बता दे पूरा मामला, अभी हमने देखो लाइव किया था। उपेंद्र तिवारी नाम का एक व्यक्ति जो ड्यूटी से जा रहा होता है, हमने आपको वहाँ से लाइव भी दिखाया था, वहाँ पर कोई गड्ढा वड्ढा था क्या था? हाँ वहाँ पे गड्ढा था, कोई गड्ढा था, उसमें गिरे हैं, डूबे हैं, पानी बहुत ज्यादा जमा था और उनकी उम्र करीब 40 साल उम्र बता रहे हैं। तो उनकी दुखद मौत हुई थी और उसी के लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, उनको न्याय की मांग की जा रही है, आर्थिक मदद की मांग की जा रही है। यहाँ पर बाबा राम केवल है, संतोष यादव है, तमाम लोग हैं, देख सकते हैं इस प्रकार। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा कहाँ पर है थोड़ा दिखाइए, आइए थोड़ा नीचे बैठे, आप देख सकते हैं, आइए थोड़ा दिखाते हैं, वहाँ बैठे हुए हैं। इनके परिवार के लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखिए आओ थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ, हाँ ये देखिए परिवार यहीं पर है, ये रहे सर। अच्छा परिवार यहीं पर है, वाइफ है, अच्छा अच्छा इनकी मदर है, थोड़ा उन्हीं से बातचीत करते हैं। देखिए बहुत दुखद खबर है, बहुत दुख की बात है, लेकिन कोशिश करेंगे बातचीत करने की। थोड़ा हटना गुरु, देखिए रो रो कर बुरा हाल है। कुछ बताया था उन्होंने आपसे, ड्यूटी से निकले थे, कुछ बताया था? सारे फोन किया, बिहार से आए हैं आप लोग, बिहार से आए, ठीक थे ना? कोई दिक्कत तो नहीं थी ना उनको, तबीयत वगैरह ठीक थी? कभी तो उसका सर भी नहीं दर्द हुआ था, मैं तो उसके साथ रहती हूँ, कंपनी वाले से पूछे ना काम करके, कभी उसको सर भी सर दर्द नहीं होता था, कोई बीमारी नहीं थी, कभी कुछ नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं, जब पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं अपने आप ही खत्म हो गया, झूठा बात सर, इतना पानी में गिर के रहेगा आदमी तो वही में गिर के मर गए सर, इतना पानी में गड्ढा में गिर के, गड्ढा था वहाँ, हाँ सबमर्सिबल नहीं होता है वही गड्ढा, किसी ने गड्ढा खोदा था ऐसा बताया जा रहा है, और पानी भी जमा हुआ था, उनको गड्ढा दिखा नहीं, वो उसे भी गिर गए होंगे, इतना पानी जमा था। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप लोगों की? दोनों बच्चा का नौकरी दिलवाइए। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं, एक लड़की या तीन बच्चे हैं? एक लड़की है, अच्छा लड़की भी बड़ी है, क्या उम्र है आपकी, क्या नाम है?
अमृता कुमारी। अमृता कुमारी, करीब 20 साल हो गया आपको? जी जी हाँ, 20 साल की उम्र है। एक आप हैं, दूसरी कौन है? अच्छा, एक लड़का है, एक लड़का है और एक लड़की है। दो लड़का है, दो लड़का है। अच्छा, दो लड़की है, दो लड़का है, एक लड़की है। आप चाहते हैं इनको नौकरी मिले? जी सर, नौकरी मिले, 50 लाख रुपए आर्थिक मदद हो और दो बच्चों को नौकरी मिले, इन सबकी यही मांग है। इसीलिए मेरा भी है, पूरा परिवार। अच्छा, कमाने वाला एक ही था? मेरा यही मुखिया था, दो बुढ़ा बुढ़ी घर पे रहता है और दोनों भाई पढ़ाई करता था, ये भी पढ़ाई करती है सर, और कोई नहीं है हमारे घर में, यही के सहारे हम दाल रोटी खाते थे, अब कौन खिलाएगा वो सर? दुखद है सही, मेरा घर के हो गया। अच्छा, चाहते हैं मदद हो, बिल्कुल परिवार को मदद हो, इनको जो मुआवजे की मांग हो रही, मुआवजा मिले। अभी एक दिन पहले हादसा हुआ था, उसमें 25 लाख रुपए दिया गया था, जो सीवरेज में सफाई करते हुए मरे थे। इसी तरह से इनकी भी मदद होनी चाहिए और सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी मिलनी चाहिए, इन सबकी यही मांग है। लेकिन देखते हैं प्रशासन और सरकार इनकी मांगे कब तक पूरा करता है। तो आप लोग यहाँ बैठ गए, उठेंगे नहीं आप लोग? मेरा जान भी चल जाए, मैं नहीं उठ सकता हूँ। उठेंगे नहीं, देखिए इन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया है कि जब तक मदद की घोषणा नहीं हो जाती यहाँ से उठेंगे नहीं। नहीं उठेंगे भैया, नहीं उठेंगे नहीं। इन्होंने जिद पाल रखी है कि अब जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहाँ से नहीं उठेंगे। हालांकि इनको उठाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पर आया है, लेकिन रहने का घर भी ना है, घर भी नहीं, आदमी है तो सरकारें ना करेंगे, बताइए। सही बात, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं और डेड बॉडी को यहीं पर रखा हुआ है, और डेड बॉडी को इसलिए रखा गया है ताकि फरीदाबाद नगर निगम मदद के लिए आगे आए और फरीदाबाद पुलिस प्रशासन और सरकार मदद के लिए आगे आए। और बिल्कुल 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 सही बात। आइए थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोग जुड़े रहें और शेयर भी करते रहें ताकि जो गरीब आदमी है इनको मदद जरूर मिले। आइए आइए, इधर से आइए, इधर जाओ। संतोष जी, क्या मांगे आप? हमारी मांग प्रताप जी ये है कि ये बेचारा बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे, यहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे थे, बाहर से कमाने के लिए आए थे, इनका परिवार छठ पूजा मनाने के लिए वहाँ गया था। हमारी मांग ये है कि जो गड्ढे में गिरने की वजह से, जल भराव की वजह से जो ये मौत हुई है, इसे संबंधित अधिकारी जो नगर निगम के, उन पर FIR दर्ज करके गिरफ्तारी की जाए और परिवार को 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। वहाँ पर गए थे आपने, देखा कोई गड्ढा वड्ढा है? वहाँ गड्ढा है, पूरा जल भराव है। प्रशासन ये कह रहा है, हमने पोस्टमार्टम कराया, हार्ट अटैक हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर गड्ढे में गिरने की वजह से ये ना गिरता तो हार्ट अटैक कहाँ से होता? नौजवान है, हट्टा कट्टा शरीर है इसका, कोई बीमारी नहीं है, परिवार पूरा कह रहा है किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, ड्यूटी करके ही आ रहे थे। जो आदमी अकेला जल भराव हो तो आदमी को पानी देखते ही वैसे हार्ट अटैक हो जाता आदमी को। मैं कहूँगा गड्ढे ना होते तो ये गिरता नहीं बेचारा वहाँ पर। गरीबों को कहाँ हार्ट अटैक आता है फिर? और गरीबों को कहाँ हार्ट अटैक आता है, उनके तो बेचारा को वैसे ही है, तो बड़े आदमी है, मजदूर आदमी है, हार्ट अटैक तो आ ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल, और ये प्रताप जी पूरे फरीदाबाद के हालात हैं, सीवर के टक्कर में गिरने से युवाओं की मौत हो रही है। आए दिन निगम की लापरवाही से, निगम जो है कुमकर्णी नींद सो रहा है, इन्हें केवल भ्रष्टाचार करना होता था ये उठ जाते हैं और जनता के लिए काम करना तो सो जाते हैं। हमारी मांग है, हमने एप्लीकेशन अभी ली है, पुलिस अधिकारियों ने अभी एप्लीकेशन ली हमारी, और ये कह रहे हैं हम जाँच करेंगे। हम कहते हैं जाँच आप करो, पहले FIR दर्ज करो, जो संबंधित अधिकारी है उन पर पर्चा दर्ज करके गिरफ्तार करो उसको, जब तक हम हिलने वाले नहीं है यहाँ से, यहीं पर ऐसी रखी रहेगी। फिर हम CP साहब वगैरह आगे भी प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अभी हम जब उठेंगे जब हमें FIR कॉपी मिलेगी, बिना FIR जो ये बार बार कह रहे हैं ना हमसे, तो कहते हैं कि FIR कोई भी करा देगा, तो आप क्यों नहीं हो रही? हाँ, तो वही तो बात है, FIR हमारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कोई FIR कभी भी हो जाएगी, कोई भी करा दे। ये देखिए पल्ला में हमने एक FIR कराई है, ये इसी केस में। अच्छा, ये संख्या नंबर है। एक मिनट, DCP साहब आ गए, DCP साहब आ गए, आइए। सर, हमारी मांग ये है कि अभी गड्ढे में गिरने से जल भराव की वजह से इनकी मौत हुई है, हम ये कहते हैं कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से ये मौत हुई है, तो नगर निगम पर FIR दर्ज करके हमें कॉपी दी जाए, हम यहाँ से बॉडी लेके चलेंगे। आपका नाम? संतोष यादव। अच्छा, संतोष यादव जी, ऐसा है जो पोस्टमार्टम हुआ है इसका, जो पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी, ठीक है? कोई चोट का निशान होगा या गड्ढे में गिरने से हुई है या किसी ने मारी है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आएगा कि वहाँ गड्ढा था?
इंजरी कॉज ऑफ डेथ। एक मिनट सुनिए, ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करनी। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें डराने की कोशिश नहीं करनी। डराना मैं नहीं, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात आप सबसे पहली बात मैं कह दूं कि आप हमें डराने की कोशिश तो बिल्कुल मत करें, ठीक है ना। हमने दो मांग रखी है, या तो नगर निगम पे पर्चा दर्ज किया जाए, ठीक है, या इस बॉडी सहित हमें नीम का जेल भेज दिया जाए। जो आपको अच्छा लगता है, आप अधिकारी हो, आपको शेर का निशान मिला हुआ है, पर परमात्मा किसी किसी को यह मौका देता है न्याय करने, आपको न्याय करने का। मैं बताऊं बाबा भीमराव डेड बॉडी पे आप देखे हो मेरे, आप नहीं राजनीति आप कर रहे हो, आप डराने के लिए हमें आए यहाँ पर, आप राजनीति कर रहे हो, आप इतने बड़े अधिकारी हो हमारे खिलाफ कर रहे। एक मिनट रुकिए प्लीज, डीसीपी साहब आए हैं नरेंद्र कादियान, वो कह रहे हैं मुकदमा होगा। आइए थोड़ा आगे चल पाओ। आप लोग देख रहे हैं पुलिस अचानक हरकत में आई है और पुलिस कह रही है इन पर मुकदमा दर्ज करो। जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो भी डेड बॉडी के साथ खड़े थे, चाहे वो संतोष यादव हों, चाहे बाबा राम केवल हों, चाहे जो भी उनके परिवार के लोग हों, फिलहाल उनको धक्का देकर यहाँ से हटा दिया गया है और सबको वहाँ ले जा रहे हैं ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सके। यहाँ पर एक आपाधापी की नौबत आई, एक धक्का मुक्की से हुई है और संतोष यादव को, बाबा राम केवल को और जो भी यहाँ पर मौजूद थे उनको ले जा रहे हैं पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करने के लिए। डीसीपी क्राइम आए थे, नरेंद्र कादियान आए थे और तमाम लोग यहाँ पर आए हुए थे। अभी आपने देखा, अभी संतोष यादव को गाड़ी में बिठा लिया गया है, अभी ले जा रहे हैं। देखिए गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं, बहुत भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल है, आप लोग देख रहे हैं। अचानक पुलिस हरकत में आई है डीसीपी नरेंद्र कादियान के आने के बाद, एसीपी साहब आए हैं और तमाम अलग अफसर आए हैं, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है और संतोष यादव को, बाबा राम केवल को गाड़ी में बिठा लिया गया है। अब इनको थाने में ले जा रहे हैं, पुलिस का कहना है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। आइए थोड़ा साइड में आइए। आपने देखा अभी हम लाइव भी कर रहे थे, बातचीत हो रही थी और अचानक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लीड कर रहे थे, उनको पुलिस थाने ले गई है कार्रवाई करने के लिए। आगे देखते हैं, जो भी कार्रवाई होगी आपको अपडेट देंगे। यहाँ पर नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था, करीब आधे घंटे से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और डेड बॉडी अभी भी वहाँ पर रखी हुई है। उपेंद्र तिवारी नाम था जिसकी मौत हुई और जिसके लिए यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है, जिसकी डेड बॉडी को रखा गया। आपने देखा अभी पुलिस ने कार्रवाई की है, अभी भी देखिए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल है। इधर ले आओ, साइड में रहो। डीसीपी साहब देखिए समझा रहे हैं, जो भी परिवार है उसको समझा रहे हैं और डीसीपी साहब कह रहे हैं कि वैसे मौत हुई है, जांच होगी, जो भी होगा कार्रवाई होगी, डीसीपी साहब का ये कहना है। नगर निगम ने ऊपर से थोड़ा लेके बिहार का उसका हरियाणा का नहीं है कुछ इसमें। अरे बिहार से यहाँ आदमी आके मर जाएगा, अरे ऐसे नहीं होता, ऐसे किसी के खिलाफ मुकदमा उठा दर्ज नहीं करेगा। अरे गड्ढा है ही नहीं वहाँ पे, अरे दुनिया चल रही है रोड पे, दुनिया चल रही है रोड पे। अरे वीडियो क्या, हम तो वैसे ही देख के आए हैं, वीडियो क्या आदमी है।
तो फिर क्या करेंगे? मौत किसी की बस की है क्या? अरे मौत किसी की बस की नहीं है, मौत किसी की बस की नहीं है, मौत पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ऐसा है मदद, एक मिनट सुनिए, सुन जा, सुनिए सुनिए, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, जो गरीब आदमी है जितना भी उनके उसमें होगा हम उसे करवाएंगे, डीसी साहब से करेंगे, इनसे करेंगे, ठीक है ना। पर ये ऐसे राजनीति मत करने दो इनको, ये जो आप पार्टी का नेता है ये आके यहाँ राजनीति कर रहा है, तो ये मत होने दो। राजनीति क्या है? आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप लोगों को जितना होगा उतना कराएंगे कमिश्नर साहब से मिलके, ठीक है ना, जितना होगा उतना कराएंगे कमिश्नर साहब से मिलके, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, आराम से बैठो। हम लोग चले गए हैं, कहाँ लेके जाओ? चलो रुको, रुको, बात करते हैं, बात करते, बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। तो दोस्तों डीसीपी साहब ने समझाया है राजनीति कर रहा है और आप लोग उसको राजनीति मत करने दीजिए, ये समझाया है। अभी देखते हैं पब्लिक समझती है यहाँ से उठती है कि नहीं, अभी आगे बताएंगे जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, वो भी आपको अपडेट दिया जाएगा। फिलहाल डेड बॉडी अभी भी यहाँ पर रखी हुई है और ये परिवार अभी भी यहाँ पर बैठा हुआ है और पुलिस यहाँ से लोगों को हटाने का प्रयास कर रही है। अब देखते हैं क्या होता है, इनकी डेड बॉडी को क्या परिवार को हैंड ओवर किया जाता है, क्या अंतिम संस्कार के लिए आगे भेजा जाता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। फिलहाल जो यहां पर प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे थे उनको पुलिस ले गई है थाने में, बाकी डीसीपी साहब गए हैं अंदर एमसीएफ कमिश्नर से बातचीत करने के लिए, देखते हैं क्या उनकी कोई मदद हो पाती है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी देर से ये प्रोटेस्ट चल रहा था और अभी जाकर थोड़ा मामला शांत हुआ है, लेकिन देखते हैं ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।